हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, मैं लेके आया हूँ कल की बात, आज एपिसोड नंबर 105, यानी कि इस लेवल्स पे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स पे हम लोग बात करते हैं एडवांस में कि बॉस कल किन लेवल्स पे आप लोगों को ध्यान रखना है, किन लेवल्स का नज़र में रखते हुए ट्रेड करना है, बाई करना है, सेल करना है, उसकी रणनीति मैं आपको आगे चल के इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले और आज इसमें एक स्टॉक भी बताऊँगा जिसमें, जैसे कि आपको याद होगा कल मैंने कोटक बैंक का बताया था। आइए देख लेते थोड़ा पास्ट परफॉर्मेंस मेरे बड़े भाई। बैंक निफ्टी के, निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स आप देख लीजिए, 11,830 फ्यूचर्स के लेवल क्लियर कट बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया गया था कि बिलो 830 ओनली थिंग फॉर द पैनिक। और आप खुद देखिएगा निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स को, किस जगह पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, गैप अप खुला था वहां से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार और आया 830 के आसपास, वहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट रॉकेट अप यानी कि ऊपर की तरफ चले गया। और ऊपर नोट करना, एक रेंज के दायरे में रहा मार्केट। हमको आपको टेलीग्राम के माध्यम से अलर्ट भी दिया था कि भाई टॉप के लेवल पे अलर्ट रहना, फिर ऊपर के लेवल पे बाय आया था। तो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से सिखाने का भी कोशिश किया कि भैया ये देखो यहाँ पे हमें बाइंग का भी आ रहा है, तो थोड़ा सा आप इंट्राडे के लिए अगर खेलना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर द बाई। देखना चाहोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पिक्चर अच्छे से समझ में आएगी भाई, ध्यान से समझना ठीक है। एक सेकंड से लंबा थोड़ा सा वीडियो होगा, माफ़ी दीजिएगा, मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये देखो ये सुबह सुबह जो हमें कल की बात आज एपिसोड जो फॉलो करते हैं उनका परफॉर्मेंस, उनका फीडबैक है जो देते हैं, जो वाकई में पैसा कमा रहे हैं भाई, मैं नहीं बोल रहा, परफॉर्मेंस बोल रहा है। टेक महिंद्रा हमारा कैमरिला स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आया था, प्लीज़ गो एंड चेक, फ्री ऑफ कॉस्ट पेड स्ट्रैटेजी, जो हम पेड स्ट्रैटेजी जिसका चार्ज करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च किया, जिससे कि आप भी इस कोरोना टाइम में दो पैसा 500,000-2,000 कमा सको और दुआ में हमें याद रख सको। तो ये भी मैंने दिया है, परफॉर्मेंस आप देख लीजिएगा भाई, 842 नहीं और ऊपर गया ये, तो सुबह सुबह 10:30 बजे तक का लेवल था, उसके बाद खुद देखिएगा। ये देखिए निफ्टी फ्यूचर्स का आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लेवल्स, कितना ब्यूटीफुल लेवल्स 830 का। ये देखो लो, ये फ्यूचर है इंडेक्स में, ये मतलब स्पॉट में है राइट। और यहीं से इसने शार्प रैली दी, फिर नीचे आया, फिर शार्प रैली दी, और यहां पे हमने आपको बताया 11,920-930 के आसपास की बॉस समथिंग कुकिंग बिग। और आप खुद देखिए वही लेवल है, ये देखो यही लेवल है, और ये देखो ब्रेकआउट हुआ, रिस्पेक्ट किया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया और क्लियर कट मेंशन था भैया बाई करने का, फिर भी करो ना करो, हो सकता है इंट्राडे में थोड़ा बहुत ऊपर चले जाए, बट नॉट इंटरेस्टेड। DLF मैंने आपको अलर्ट दिया है, अलर्ट रहना। टेक महिंद्रा देखो, पहले 10:30 बजे का लेवल था, अब 850 का लेवल हो गया है 1 बजे तक के लेवल्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस कैमरिला, जो लोग हमें कैमरिला हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं वो पैसा बना रहे हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी भेजा है। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स जब गिरावट आ रही थी तब हम लोगों ने फिर बोला कि भैया देखो ये VWAP का एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक दे रहा है। और देखो ये देखिए सर, एक और फीडबैक आपके सामने कैमरिला का, जिसमें SCL टैक आया है, दिमाग का ढक्कन खुला है। और ये हमारे स्टूडेंट है जो इस बैच में, करंट बैच जो 10 दिन का चलता है उसके स्टूडेंट है, और अभी बैच चल रहा है 6 या 7 दिन ही क्लास के हुए, अभी भी 3 दिन क्लास के बचे और पैसा बनाना चालू कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, यहीं से ये देख रहे हो 11,900 के आसपास ही, ये देखो 11,900 के आसपास फिर 30 पॉइंट की बाउंस बैक दी इसी VWAP से। बहुत जल्दी आप लोग ले VWAP की स्ट्रैटेजी भी दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और गिरत, ये नरेश राठी सर हमारे सितंबर बैच के स्टूडेंट हैं, इन्होंने देखा गिरती हुई चीज़ को पकड़ना सिखाया था आपने, और उसी के बेसिस उन्होंने खुद पैसा बनाया, खुद ट्रेड करके बॉटम पे कैसे पकड़ते हैं वो सिखाया था, खुद ट्रेड करके उन्होंने पैसा बनाया। सेकेंड अटैम्प पे VWAP आया, फिर ऊपर गया। थर्ड अटैम्प पे मैंने आपको बोला कि भैया VWAP आ रहा है, हो सकता है इस बार ना जाए, और मैंने काटा भी लगाया, लेकिन उसके बाद मैंने तुरंत एक स्टेटमेंट लिख दी थी, भाई आज मजा नहीं आ रहा घिरने में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसे ही चल रहा है बस, हाँ एक रेंज में रहने वाला है राइट। ये परफॉर्मेंस जो फ्री में लोग कमा रहे हैं और क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं विद लिटिल मनी, वंडरफुल सर, मेंटेन SL, योर लेवल इज जस्ट ऑसम। सब बोल रहे थे साहू सर को कैसे पहले पता चल जाता है, मैंने बोला सीखोगे तो ही पाओगे, सर आप ही मेंटर हो मेरे, लवली सर क्या लेवल्स हैं। स्टूडेंट्स अपनी जुबानी खुद बोल रहे हैं, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है, पेड नहीं है हमारे
जो ग्रुप में मेंबर्स आते हैं। तो गाइस ये टेलीग्राम है, ऑलमोस्ट 59,900 मेंबर्स लाइव है, प्लीज कनेक्ट विद अस। लाइव मार्केट में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सीमेंस का चार्ट आप लोगों को ट्विटर में एंड फेसबुक में, जो लोग नहीं अभी तक फॉलो किए हैं प्लीज फॉलो कर रहे, आपको समझ में आएगा। तो भाई यही 830 का लेवल से बाउंस बैक, देर इज नो बाइंग, देर इज नो सेल, 970 के आसपास हडल बोला था वहां तक पहुंचा ही नहीं तो छोड़ देंगे। अच्छा, बैंक निफ्टी के बारे में क्लियर कट, 2456 नीचे बोला था कि अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो ही सेल करने का सोचना, गैप अप खुला और ऊपर रहने का, ऊपर ही सस्टेन करता रहा, नीचे आने का इसका नाम नहीं लिया, इग्नोर कर देंगे। ये देखो कोटक बैंक 1375, क्या आप कोटक बैंक का लो देखना चाहोगे? आप बताओ, क्या आप कोटक बैंक का लो देखना चाहोगे? लुक एट दिस ब्रदर, लुक एट दिस, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द कोटक बैंक। ये देखो सर, पहला कैंडल जो लो बनाया 1355 का मेड अ लो, वहीं से पहला ही कैंडल 10 मिनट का बूम कर गया। अगर मैं इसको 3 मिनट पे लगा लेता हूं तो देखो पहला एक शार्प फॉल आया, एग्जैक्ट हमें इसने एंट्री दी, एंट्री देने के बाद मार्केट रॉकेट अप और नए हाई पे, नए ऊंचाई पर ही हमारा कोटक बैंक पहुंच गया। 55 पे बाई दिया और 85 का हाई, एडवांस लेवल ही आपको दिया है। मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूं अपनी चीज देने से पहले, इसलिए बोल रहा हूं भाई, कुछ लोग आएंगे जाएंगे, मार्केट किसी के ना आने किसी के ना जाने से चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलता रहेगा। किस दिन हमारे कॉल चलेंगे, किस दिन फेल होंगे, किस दिन कुछ होगा, किस दिन कुछ होगा, अगेन बोल रहा हूँ, इफ़ यू हैव प्रॉपर आवर SRM स्ट्रैटेजी, मेरी एक्यूरेसी अगर मुझे आप फॉलो करना चाहते हो तो मेरे भाई पहले मेरे को समझना, मेरी एक्यूरेसी लेवल 30% की भी रहेगी तो भी मैं पैसा कमा लूंगा। अब आप दिमाग लगा के सोच के देखो कि 30% पे एक्यूरेसी लेवल पे पैसा बना रहा है ये, तो अगर आपका माइंडसेट है वो तो ही मेरे को फॉलो करना, अदरवाइज गाइस आपका टोटली टाइम वेस्ट है। जो लोग आपको बोलते हैं ना 90-95% एक्यूरेसी लेवल, यू कैन गो देयर ओनली एंड यू कैन फॉलो देम, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो फिर बोल रहा हूँ सर, ट्रेड उतना करना जितना झेल सको, मार्केट में चढ़ावा दे सको। मैं बात कर रहा हूं 10 में से 3 में पैसा मिलेगा, 7 में आप चढ़ावा देने के लिए रेडी रहना, क्लियर कट बोल्डली बोलो अपने वीडियो में, कोई नहीं बोलेगा आपको। जो चल जाता है सब दिखाएंगे, जो चला नहीं चला कैसा चला, मेरा काम बोलता है, मैं अपना आपको लज्जर दिखा दूंगा, बात खत्म भाई। अब आपको डिसाइड करना है कैसे फॉलो करना है कैसे नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है, एक फ्री की एडवाइस दूं, अगर किंग रिसर्च नहीं समझ में आ रहा है मेरे बड़े भाई, प्लीज इमीडिएट बेसिस पे ब्लॉक करें। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और क्यों अपना खून जला रहे हो, कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी साइकोलॉजी पढ़ पा रहे हो तो ही फायदा है, अदरवाइज आप समझदार हो। ठीक है, मौजा ही मौजा। ये एक पिडिलाइट नर्सरी दिया था, इस पर नजर रखना, एनी टाइम इट विल बी ब्लास्ट। 1535 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बताया है, इसके ऊपर अगर आता है और क्लोजिंग बेसिस पे देता है तो डेफिनेटली वी विल सी 1700 का लेवल, ये भी आपको मैंने बताया था। अब चलिए मैं एडवांस के लेवल्स बात कर लेता हूं राइट नाउ एज अ फ्रेश वीडियो, जो आज हम बात करेंगे 20 अक्टूबर को, कि 21 अक्टूबर को क्या क्या होने वाला है। यस, लास्ट क्लोज 11,895, यस बिलो 11,830 ओनली थिंग फॉर द सेल साइड, यानी कि फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 830 के नीचे जाएगा तो ही हम इसको सेल करेंगे। आज इसने हमारे 830 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है, वहां से ऊपर गया है। अपसाइड हर्डल 970, 12,047, भाई मैं बार बार लेवल चेंज नहीं करता, आएगा इज्जत देगा पैसा बनाएंगे, इज्जत नहीं देगा उस दिन हम लॉस कर लेंगे, सिंपल। वंस ब्रेक 11,830 देन विल सी पैनिक अप टू 11,670, 11,630। बैंक निफ्टी की बात करता हूं, लास्ट क्लोज 24,347, ये फ्यूचर्स के लेवल है। यस, अबव 24,356 इट विल जूम टू केस 24,730, 24,870। यस, वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट 24,156। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको एक शार्प पैनिक देखने को मिल सकता है। नाउ बिलो 24,156 इफ स्टे एटलीस्ट फॉर 15 to 30 minutes, then only think for the sell with stop loss 24,470, panic slide up to 23,670, 23,356, no chindi target, always bade targets, yahi khasiyat hai sir, agar aayega to bada aayega, agar jayega to main 10 chindi de dunga, mujhe koi baat nahi, kyunki mera ek 100 sunar ki aur king research ke barabar hai, fir bol raha hu ek mahina proper follow karo, paper mein note karna,
कौन सा कॉल चला कौन सा कॉल नहीं चला, ये मेरी आपसे एक गुजारिश है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, प्लीज़ नोट करो किसको फॉलो कर रहे हो, जिसको भी फॉलो कर दो उसके लेवल्स नोट करो। हम बोलते नहीं भाई, हम काम करके दिखाते हैं। गो एंड चेक आवर लेजर, जो लोग नए हैं प्लीज जाके जरूर देखिएगा मेरे लेजर, 7 से 8 अकाउंट में पैसा डबल नहीं 3 गुना 4 गुना किए है, 300, 400, 500% ROI दिखाया है, प्लीज गो एंड चेक। अराउंड दिस लोअर लेवल्स विल थिंक फॉर द बाय, किस लेवल पे ये जो पैनिक लेवल्स है 670, 356 है, दोबारा बाय करने का सोचेंगे, राइट। अब आपके लिए एक बोनस टिप्स लेके आया हूं मैं, बाई गोदरेज सीपी फ्यूचर 692, 685, इस लेवल्स पे आप फ्यूचर में बाई करने का सोच सकते हो विद स्टॉप लॉस 670, टारगेट 710, 725 का आपका गोदरेज सीपी में टारगेट रहेगा। लेकिन मेरे बड़े भाई बिल्कुल तभी ट्रेड करना फ्यूचर में जब आपके पास कम से कम अच्छा खासा ये रिस्क बियर करने का पैसा हो, अगर नहीं है तो गाइस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई और ट्रेड कर रहा है तो आपको भी नहीं करना है भाई, कि वो फ्यूचर कर रहा है मैं भी करूंगा, पैसा उससे नहीं, पैसा सिर्फ गोदरेज सीपी नहीं बनेगा, हो सकता है फेल हो सकता है पास हो, पैसा बनेगा डिसिप्लिन ट्रेडिंग से। मार्केट में कितना चढ़ावा देना है वो डिसाइड करो, कैश में ट्रेड कर लो चलेगा, 100 रुपये का रिस्क लेना चाहते हो 100 रुपये का रिस्क पर ट्रेड करो, कैसे करना है गो एंड चेक आवर SRM स्ट्रेटेजी, आपको मिल जाएगा। बाकी आप समझदार हो सर, मैं आपको सही डायरेक्शन दे देता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपको लखपति बनाऊंगा, एज एम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइस, मार्केट में आपको ही पता है कितने लोग सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, नो ब्ला ब्ला, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद इसमें ट्रेड करने का सोचेगा, राइट। अब 17 नवंबर को किस तरह से हम एडवांस लेवल्स निकालते हैं, ऑप्शंस की क्या स्ट्रैटेजी हम लोग देने वाले हैं, कैसे आप अप्रोच करें जाए, ऑपरेटर की क्या साइकोलॉजी है, 10 दिन की ये क्लास होती है रात को 9 बजे से 10:30, 11 बजे की, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मोस्ट वेलकम। अभी अर्ली बर्ड में 30 मेंबर्स के लिए 10% ऑफर चल रहा है, तो जैसे ये 30 मेंबर्स फुल हो जाएंगी भाई उसके बाद देर इज नो ऑफर, तो जो लास्ट रश में आते हैं गाइस अपना 10% लेके सीट बुक करा लो 17 नवंबर को, वो चीज दूंगा जो ना आपको किसी किताब में और ना किसी YouTube में मिलेगा, सिर्फ किंग रिसर्च के 13-14 साल के एक्सपीरियंस से जो निचोड़ के निकाला है वो आपको 10 दिन में डिलीवर करने की पूरी 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 तहे दिल से कोशिश करूंगा, और प्योर प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर एट ऑल, ओके। 5 पावरफुल सेटअप्स मैं आपको दूंगा विद 6 मंथ्स का मेंटरशिप के साथ। थैंक यू सो मच, अगर आपको चीज समझ में आ रही है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ 7 नवंबर को मेगा वेबिनार है हम लोगों का, मेगा वेबिनार जिसमें मैं आपको इंट्राडे हंटिंग स्ट्रैटेजी देने वाला, रेलवे ट्रैक स्ट्रैटेजी, तो वो भी जिसने बुक नहीं किया प्लीज बुक कर लीजिए। थैंक यू, लाइक दबा दीजिए सर बिल्कुल, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, और अगर मेरी मेहनत आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज लाइक दबाइए, और चाहते हैं वीडियो को कंटिन्यू करें तो प्लीज लाइक दबाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलता हूँ 9:15 पे, अपना ध्यान रखना सर, और मजे की बात, stay safe and stay happy. Thank you. Love you all guys. Thank you.